में खुश आमदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ का ऐलान किया जा चुका है। जनरल कमर बाजवा मजमूई तौर पर 16वें और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साथ काम करने वाले 8वें आर्मी चीफ होंगे। इससे पहले वज़ीर आज़म नवाज शरीफ बतौर वज़ीर आज़म 7 आर्मी चीफ के साथ काम कर चुके हैं। जनरल असलम बेग, जनरल आसिफ नवाज जंजुआ, जनरल वहीद काकड़, जनरल जहांगीर करामत, जनरल परवेज़ मुशर्रफ, जनरल अशफाक परवेज़ कियानी और जनरल राहील शरीफ। दिलचस्प बात यह है कि 1988 से लेकर अब तक जितने भी आर्मी चीफ्स आए, सब के साथ नवाज शरीफ साहब ने बतौर वज़ीर आज़म काम किया। और ये भी एक तल्ख हकीकत है कि इनमें से ज़्यादातर आर्मी चीफ्स के साथ नवाज शरीफ के ताल्लुकात कशीदा रहे, और जिन के साथ कशीदा न रहे उनके साथ भी ताल्लुकात को खुशगवार नहीं कहा जा सकता। 6 आर्मी चीफ्स के साथ काम किया नवाज शरीफ साहब ने, किसी के साथ भी उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे। ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार नवाज शरीफ साहब कसूरवार हों, वह ताल्लुकात किसी के साथ अच्छे नहीं रहे। और उसकी वजह यह है, जिस तरह की उनकी नफ्सियात है, या तो वह मातहत हो सकते हैं या बास हो सकते हैं। बराबर की सतह पर सेहतमंदाना ताल्लुकात रखने की सलाहियत उनके अंदर मेरे ख्याल है नहीं पाई जाती। जमहूरियत का तसव्वुर उनको कोई नहीं है, बादशाहत का ही तसव्वुर है। अदालत उनकी मर्ज़ी की होनी चाहिए, फ़ौज उनकी मर्ज़ी की होनी चाहिए, सिविल सर्विस उनकी पसंद की होनी चाहिए, जहाँ चाहें किसी को तकरार करें। पुलिस थानेदार तो खैर होना ही उनका चाहिए, पटवारी तो 100% उनका होना चाहिए, उनका हुकूमत का यही तसव्वुर।